फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंचा, लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम पीएमई की यूनिट नंबर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैरी ऑन करेंगे। हमारा आज का जो पार्ट है वो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 6 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला था इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। इसको सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एकल व्यापार भी कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप होता है या जो एकल व्यापार है, वो व्यापार करने का सबसे प्राचीनतम तरीका है। यानी व्यापार की शुरुआत में इसी तरीके से व्यापार किया जाता था। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति द्वारा व्यापार शुरू किया जाता है। वही व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है, वही व्यक्ति व्यापार से संबंधित सभी कार्यों को करता है। व्यापार में होने वाले लाभ और हानि उसी व्यक्ति के लिए उसी व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, और व्यापार में सभी निर्णय उस एक व्यक्ति द्वारा ही लिए जाते हैं। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यापार वही समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ हमारा एकल व्यापार। डिटेल में पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एकल व्यापार से क्या क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एकल व्यापार के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है एकल स्वामित्व। एकल व्यापार में व्यापार का जो स्वामित्व होता है या व्यापार का जो मालिक होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो वही व्यक्ति व्यापार को चलाता है और उससे संबंधित निर्णय उसी व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। तो व्यापार का स्वामित्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। दूसरा है एकल प्रबंध। जो व्यापार का मालिक होता है वो व्यापार से संबंधित सभी कार्यों को खुद ही करता है, चाहे वो मैनेजमेंट का कार्य हो, चाहे वो वस्तुओं का खरीदना और बेचना हो, सेल्समैनशिप हो या बैंकिंग से रिलेटेड कोई कार्य हो, व्यापार से संबंधित सभी कार्य उसी एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है वैधानिक प्रतिबंध से मुक्ति। जब एकल व्यापार शुरू किया जाता है तो इसको शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरह की लीगल फाउंडेशन नहीं होती है। फिर भी अगर आप चाहें तो व्यापार शुरू करने के 30 दिन के अंदर आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सोप एंड कमर्शियल एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। बिना किसी कानूनी कार्यवाही के भी आप आसानी से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीमित व्यापार क्षेत्र। अब जो एकल व्यापार होता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है, तो बिजनेस के अंदर जो पूंजी लगाई जाती है, जो कैपिटल मनी इन्वेस्ट की जाती है, वो उसी एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। अब या तो उस व्यक्ति का वो कोई पुरानी बचत होगी जिसको वो इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर वो कहीं से लोन ले रहा होगा। तो क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है तो उसकी पूंजी सीमित होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो मनी इन्वेस्टमेंट अपने व्यापार के अंदर नहीं कर सकता, इसलिए व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए एकल व्यापार का जो क्षेत्र होता है जनरली सीमित रहता है। नेक्स्ट है लाभ पर आधिपत्य। देखिए, एकल व्यापार में जो भी लाभ होता है वो उसी व्यक्ति का होता है जो उस व्यापार का मालिक है। उसके व्यापार में होने वाले लाभ और हानि सभी उसी व्यक्ति के होते हैं। नेक्स्ट है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब व्यापार में क्योंकि एक ही मालिक है, एक ही व्यक्ति व्यापार का स्वामी है, तो व्यापार से संबंधित सभी निर्णय वो खुद ही लेता है, चाहे वो वस्तुओं के खरीदने से रिलेटेड हो या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो या कहाँ इन्वेस्ट, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो व्यापार से संबंधित सभी निर्णय सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। तो ये निर्णय त्वरित होते हैं, बहुत शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऐच्छिक आरंभ और अंत। जब चाहे तब एकल व्यापार को शुरू किया जा सकता है और आसानी से इसे बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, तो व्यापार को शुरू और समाप्त करने में किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आती है। तो ये बच्चों थे एकल व्यापार के लक्षण। ठीक है, अब इन्हीं लक्षणों से निकल कर आएंगे इस व्यापार में हमें क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल व्यापार से क्या क्या लाभ है। सबसे जो पहला लाभ है वो है प्रारंभ करने में सुगमता। मैंने आपको बताया कि
एकल व्यापार शुरू करने में आपको किसी भी तरह की कोई लीगल फाउंडेशंस नहीं होती है, इसलिए आप आसानी से जब चाहे अपनी पूंजी लगा करके व्यापार शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय। एकल व्यापार में एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तो व्यापार के हित में लिए जाने वाले सभी निर्णय उस व्यक्ति द्वारा शीघ्रता से लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसे दूसरे व्यक्तियों से कंसल्ट करने का या उनको राजी करने का या उनको समझाने का कोई कार्य नहीं करना होता है, अतः त्वरित निर्णय लिए जाते हैं एकल व्यापार के अंदर। तीसरा जो लाभ है वो है कार्य में लगन। देखिए, एकल व्यापार एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, तो व्यापार से होने वाले सभी हानि लाभ उसी व्यक्ति के होंगे, है ना। तो वो ये जब डिसाइड करता है कि अगर मैं जैसे अपनी शॉप है उसको सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वो चलाता है, और वो सोचता है अगर मैं 2 घंटे इसके अंदर एक्स्ट्रा काम करूं तो मेरे कस्टमर ज्यादा आएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्योंकि सारा प्रॉफिट उसी का है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो अपने व्यापार में अतिरिक्त समय लगाता है, अतिरिक्त दक्षता के साथ कार्य करता है और कार्य में लगन से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोपनीयता। देखिए, एकल व्यवसाय का सबसे बड़ा लाभ है गोपनीयता, क्योंकि एक ही व्यक्ति व्यापार चला रहा है तो बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस की जो भी गोपनीयता है वो बनी रहती है, उसको अपने बिजनेस सीक्रेट्स जो होते हैं वो किसी और के साथ में शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, तो व्यापार में गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट है ग्राहक की रुचि की जानकारी। देखिए, जो एकल व्यापार होता है उसमें व्यापारी जो होता है वो अपने ग्राहक से डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर रहता है, ठीक है, वो अपने ग्राहकों की रुचि को आसानी से समझ सकता है और उसी रुचि के अनुसार अपने व्यापार में निर्णय लेते हुए वो आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है लाभ पर एकाधिकार। एकल स्वामित्व होने के कारण व्यापार में जितना भी लाभ हो रहा है वो सारा उस व्यापारी का होता है, तो सारा का सारा लाभ एकल व्यापार में उसी व्यापारी का होता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं तो हम देखते हैं इसमें से कौन से डिसएडवांटेजेस या एकल व्यापार की कौन सी हानियां हैं जो हमें पता चल रही है। पहला है असीमित दायित्व। देखिए, जो व्यापारी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति बिजनेस को संभालने वाला है, तो एक ही व्यक्ति होने के कारण बिजनेस से रिलेटेड सारे दायित्व जो होते हैं उसी व्यक्ति के हैं, चाहे उसको सामान परचेज करना है, चाहे उसको सेल्समैनशिप करनी है, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम है या किसी भी तरह की कोई व्यापार संबंधित जिम्मेवारी होती है वो उसी व्यक्ति की होती है, तो उस पर असीमित दायित्व रहते हैं। दूसरा है सीमित पूंजी। क्योंकि व्यापार एक ही व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जा रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति एक सीमित मात्रा में मनी इन्वेस्ट कर सकता है, तो व्यापार में बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी निवेश करके बड़ा व्यापार शुरू नहीं किया जा सकता, सीमित पूंजी के निवेश से व्यापार को शुरू किया जाता है। तीसरा जो इसमें डिसएडवांटेजेस है वो है सीमित प्रबंध योग्यता। देखिए, व्यापार एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, तो अब एक जो व्यक्ति है वो हो सकता है कुछ कार्यों में एक्सपर्ट हो तो कुछ में उसको एक्सपर्टीज ना हो, जैसे हो सकता है वो सेल्समैनशिप में अच्छा है लेकिन फाइनेंस में वो इतना अच्छा नहीं है, तो जिन क्षेत्रों में वो अच्छा है उसका तो लाभ बिजनेस को मिलता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उसकी योग्यता नहीं होती है उस क्षेत्र के कारण उसको कई बार व्यापार में हानि भी उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेजेस है वो है जल्दबाजी में निर्णय। एकल व्यापारी द्वारा खुद ही निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि निर्णय लेते समय किसी के साथ कंसल्ट नहीं किया जाता है, और दूसरा कि अगर उसके एक दो निर्णय सही हो गए तो उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा सही होगा, तो इस कारण से जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिए जाते हैं जो व्यापार के हित में नहीं होते हैं या उसके कारण उसको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इस तरह से जो जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं वो भी एकल व्यापार की एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है अनुपस्थिति में क्षति। एकल व्यापार एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, यदि किसी कारण से वो व्यापार को जारी रखने में सक्षम नहीं है, मान लो उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया और वो 2 महीने से अपनी दुकान नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा कि बिजनेस में उसको क्षति उठानी पड़ेगी, उसकी अनुपस्थिति में कोई उसके व्यापार को संभालने वाला नहीं होता है, तो इस कारण से उसको हानि भी उठानी पड़ जाती है। नेक्स्ट है अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि अगर किसी कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका व्यापार वहीं समाप्त हो गया, ठीक है, उसको व्यापार को कोई आगे कैरी ऑन करने वाला नहीं होता है। अब इसका लास्ट जो है पॉइंट वो है सीमित विस्तार। एकल व्यापार में सीमित पूंजी होती है और असीमित दायित्व एक ही व्यक्ति के ऊपर होते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि वो व्यक्ति सीमित मात्रा में ही अपने व्यापार का विस्तार कर सकता है, अगर उसमें बहुत वो चाहे कि मैं अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करूं तो वो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक तो उसके पास पूंजी सीमित मात्रा में है और दूसरा उसको इतने ज्यादा
जाते हैं कि वो अपने व्यापार को बहुत ज्यादा विस्तार करने के बारे में नहीं सोच पाता है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यापार क्या होता है, इसको हम तीन पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।